आवाम को भी खुशी जो मिली है, जो बड़ी मेरा ख्याल है सबसे बड़ी खुशी है इस महंगाई के दौर में, जब बंदे के लिए दो वक्त की रोटी कमाना और खाना मुश्किल हुआ हुआ, ऐसे में जनाब ये रिलीफ है बहुत बड़ा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई है और पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये फी लीटर कमी की गई है, डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर कमी हुई है और पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 283 रुपये 38 पैसे हो गई है और लाई स्पीड डीजल की कीमत में भी तकरीबन 19 रुपये फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद इम्कान है कि मुल्क भर में महंगाई की जो शरह है उसमें वाजे कमी होगी। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, जो कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, उनको मैं वेलकम करूंगी शो में। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। खाकान साहब आप भी खुश होंगे यकीनी तौर पर। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज समझने की ये है कि पाकिस्तान में जो रुपए की कदर की कमजोरी थी उसने पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को काफी हर्ट किया है, क्योंकि जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का कंपोनेंट है वो इस वजह से बहुत बढ़ा हुआ आ रहा था कि पाकिस्तान के जो रुपए की कदर थी वो कमज़ोर हो रही थी। जब आपने देखा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन या इन्फोर्समेंट की गई पाकिस्तान में, तो जो एक थर्ड मार्केट थी वो ख़त्म हो गई और हमारी जो इंटरबैंक और जो ओपन मार्केट है उन दोनों में, इंटरबैंक में 10% के करीब और ओपन मार्केट में 20% के करीब रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। तो ये सबसे बड़ा जो आंसर है इस वक्त पेट्रोल प्राइसेस की रिविजन का वो इन इससे आ रहा है। कुछ इंटरनेशनल मार्केट भी कम हो गई थी, अभी थोड़ी फिर बढ़ी है बट उतनी नहीं बढ़ी जितनी के कम हुई थी, मतलब $11 कम हुई थी, $5-6 बढ़ी है। सो ओवरऑल ये तनाजुल है इस वक्त जो हुआ। अच्छा, है जस्ट थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिएगा, ये पॉइंट भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन डॉलर की प्राइस बहुत पहले कम हो गई थी, फिर हम ये देख रहे थे कि आलमी मंडी में तेल की कीमत भी कुछ कम है, लेकिन हमें ये रिलीफ आई थिंक सो कुछ देर से मिला है, डोंट यू थिंक सो? लेकिन क्योंकि हमारा साइकिल इस तरह चलता है कि जो 15 दिन की प्राइसेस हैं उसको हम लेकर एक एवरेज आउट करके, क्या कार्गोज आए हैं पाकिस्तान में, क्या डॉलर का रेट था विज़ रूपी, तो वो फिर सारा ओग्रा यानी कि जो हमारा स्टेट रेगुलेटर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, वो एक समरी पुट अप करता है। सो आई थिंक कि ये जो कि 15 दिन का साइकिल है, तो आप ये जो पिछले 15 दिन की कीमत है वो देख रहे हैं इस वक्त। सो ये आई थिंक दैट इज द रेगुलेशन अंडर विच वी आर वर्किंग। बट ये भी याद रखिए कि 48 रुपीज़ यानी कि तकरीबन 2 हफ्ते में ये 40 कम हुई, फिर 8 रुपये पहले कम हुई थी, डीजल 15 अब कम हुआ है, 11 पहले कम हुआ था। एक बात मैं पाकिस्तान के तनाजुर में ज़रूर करता हूँ हमेशा, यहाँ पे फ्रेट जो है यानी कि जो गुड्स की मूवमेंट है, आपके फूड की मूवमेंट है, आपके जो अशाय खुर्दोनोश की मूवमेंट है, ये बहुत ज़्यादा होती है रोड पे। पाकिस्तान का रेल का नेटवर्क बहुत कमज़ोर है, पाकिस्तान के रेल पे मेरे ख्याल 4-5% भी फ्रेट मूव नहीं होता, ये सारा फ्रेट रोड पे मूव होता है। तो बहुत बड़ा असर आता है लॉजिस्टिक्स पे, लॉजिस्टिक्स की प्राइसिंग पे। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि प्राइसेस अब स्टिकी नहीं रहेंगी चीज़ों की, प्राइसेस में कुछ लोगों को पेट्रोल इसमें भी आई थिंक सो खाकान साहब सख्ती करनी पड़ेगी, वरना पाकिस्तानियों की नेचर है कि प्राइस जब बस फिर एक दफ़ा जो वो रख लेते हैं, भले पेट्रोल सस्ता हो भले वो महंगा तो होगा तो वो बढ़ेगी ज़रूर पर वापसी कम नहीं आती। ये बात आपकी दुरुस्त है और यहाँ पे याद रखिए कि क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स तो नहीं है उस तरह से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा जो है वो हिस्सा है इस काम में, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने इंश्योर करना है कि होर्डिंग ना हो रही हो, प्राइसेस जो हैं वो अनयूजुअली ना हाई हो, कंपटीशन क्रिएट हो रहा हो, फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अदारे अगर अपना काम नहीं करेंगे तो आपको अनरेगुलेटेड मार्केट्स मिलेंगी। आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी है, बहुत ये मुसद्दका बात है हमेशा। अब चूंकि अदारे काम नहीं कर रहे थे तो एक तीसरी मार्केट क्रिएट हुई हुई थी, जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेके उसको ठीक किया गया तो उसको कॉम्प्लीमेंट करना है आपने उन सब चीजों को स्ट्रक्चरल और पॉलिसी वर्क्स है, यानी कि जो ओपन मार्केट में एक्सचेंज कंपनीज ऐसे कारोबार कर रही थी जैसे उनको नहीं करना चाहिए, तो उनको आप खत्म कीजिए, उनको बी कैटेगरी किसकी कंपनीज को खत्म कीजिए, जो सी कैटेगरी का काम हो रहा है उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली खत्म कीजिए। फिर वापस आते हैं कि अब
प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का काम है, स्टेट रेगुलेटर जैसे सीसीपी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि इंश्योर करे कि मार्केट्स जो हैं वो काम कर रही हो, कंपटीशन काम कर रहा हो, होर्डिंग ना हो रही हो, प्राइसेस अनयूजुअली हाई ना हो, स्मगलिंग को रोकें। अगर ये सारे अनासर आप शामिल करेंगे तो जो कीमतों के बढ़ने की सप्लाई साइड है हम उसको संभाल पाएंगे। अच्छा डॉक्टर खाकान, इसके प्रॉपरली वो जो एक जिसे कहते हैं ना सम्राट, वो फ्रूटफुली अवाम तक कब पहुंचेंगे? और सेकेंडली एक और भी खबर गर्दिश में है कि मजीद ये रिड्यूस होंगी प्राइसेस, तो आप बताएगा कि वाकई ऐसा मुमकिन है या जस्ट ये बातें हो रही हैं? देखिए जहां तक अशियाए खुर्दोनोश, फूड प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस का कम होना है, एक तो एनर्जी का कंपोनेंट मेन ट्रांसपोर्ट का कम होना चाहिए, जो ट्रांसपोर्ट के किराए बहुत बढ़े थे उनको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। अगर हम यू नो एवरेज पे देखें तो इस वक्त अगर आपकी 48 रुपए कम हुई है पेट्रोल और 26 रुपए कम हुआ है डीजल, तो ट्रांसपोर्टर्स को भी ये देखना चाहिए कि जो कीमतें बढ़ी थी उनको थोड़ी सी रिविजन करें, और एडमिनिस्ट्रेटिवली सो इसके सम्राट तो फौरी तौर पे आने चाहिए। फूड प्राइसेस या जैसे आप घर में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो ज़रा स्टिकी होती हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट होपफुली इस रिविजन के साथ, रुपए की कदर के मुस्तहकम होने के साथ, और बिजली की कीमत ऑलरेडी पास थ्रू हो चुकी है, उसके साथ जो वर्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन है शायद वो गुजर चुका है। एक और चीज़ याद रखिए कि एक कंपोनेंट आपको और अफेक्ट करता है, वो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जो आपके बिलों में इलेक्ट्रिसिटी के लग के आता है। अब अगर आपकी थोड़ी सी कम हुई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत, तो जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो भी आपको कम मिलेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको नेगेटिव किसी महीने में मिले, हो सकता है नवंबर या दिसंबर का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, या तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसा हो जी, ये भी हो सकता है। अच्छा जैसे मैंने कहा खाकान साहब कि प्राइसेस मजीद भी कम होने का है इम्कान या ऐसा मुमकिन नहीं है फिलहाल? देखिए इसका जो सही और मुतवाजन जवाब है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो कार्गोस खरीदे हैं पिछले 15 दिनों में, यानी कि इस वक्त हम बात जो कर रहे हैं 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, वो किस डॉलर रेट पे खरीदे हैं। डॉलर तो ऑब्वियसली वीक हो रहा था विज रूपी, तो वो इफेक्ट तो आ रहा होगा, पर वो कार्गोस की प्राइस पर डिपेंडेंट है। बट आई थिंक अगर कम बहुत ना हुई तो बढ़ने का इम्कान जो है वो नहीं है इसमें। अच्छा फिलहाल ये कितने वक्त के लिए आप ये खुशखबरी आवाम को दे रहे हैं? देखिए आई थिंक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये है कि इस वक्त जो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है उसने प्राइसेस को इंटरनेशनली फिर थोड़ा सा बढ़ा दिया है। हम एग्जैक्ट नंबर देख लेते हैं, ब्रेंट जो एक कीमत निकलती है ग्लोबल ऑयल प्राइस, वो $84 पे नीचे चली गई थी $95-96 को हिट करके, सो सब्सटेंटिव नीचे आ गई थी वो कीमत। जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ मिडल ईस्ट में, तो ये कीमत इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैंने अभी मार्केट देखी जाकर, तो ये तकरीबन फिर दोबारा $91 के करीब चला गया है। सो एक तो ये चीज़ अभी नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, दूसरा लेट सी कि पाकिस्तान का रुपया जो है वो कैसे बिहेव करता है मार्केट में। इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से आपने रुपये की कदर को मुस्तहकम करना था वो कर लिया है, अब पाकिस्तान की लिक्विडिटी, यानी कि आपको मालूम है कि सप्लाई डिटरमिन करेगी इस वक्त कि कितना सप्लाई आता है डॉलर का इंटरबैंक में, उस पर तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हमारी फाइनेंस टीम को डॉलर्स अरेंज करने पड़ेंगे। सो आई एम होपिंग कि अब वो डॉलर्स की अरेंजमेंट पॉलिसी का काम ये सारा जो हमें दिखाई देगा। सही। अच्छा मुझे खाकान साहब ये भी बताइएगा कि इस सारी सिचुएशन में वो जो एक हम प्रॉब्लम देख रहे थे कि जिसमें जनाब डॉलर लिक्विडिटी क्रंच भी है, फिर से डॉलर को पर लग गए, अभी फ़िलहाल माशाल्लाह से ठीक है, इलेक्शंस भी नहीं सर पर आए और अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन उससे पहले कुछ ब्रेक लगा है और रुपये की सिचुएशन भी कुछ पहले से बेहतर हो रही है, आपको क्या लग रहा है, क्या ये वक्ती तौर पर है या फिर इलेक्शन से पहले एक बार फिर से हमें वो एक अजीब हलचल नजर आएगी और डॉलर को पर लग जाएंगे, फिर आवाम परेशान होंगे, या फिर अब ये वक्त के साथ साथ चीजें बेहतरी की तरफ ही जाएंगी? इस साल का ये सबसे सीरियस क्वेश्चन है। पाकिस्तान ने 23-24 अरब डॉलर इस साल पे करने हैं बाहर, जिसमें हमने अपना डेट और मार्कअप जो पे है वो पे करना है, कुछ इसमें हमने पैसे रोल ओवर करने हैं, कुछ पैसे वापस जाने हैं। पाकिस्तान को ये सारा कुछ करना है, अगर तो पाकिस्तान ने अपने रुपए की कदर और इस तरह जो पेमेंट्स हैं उनको स्मूथ रखना है, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें 9-10 अरब डॉलर के प्लेजेस हैं जनीवा के, 4-5 बिलियन डॉलर हमने कमर्शियल लोन्स लाने हैं,
हमने वर्ल्ड बैंक एडीबी से प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट लोन्स लाने हैं और फ्रेंडली कंट्री से बायलैटरल लोन्स लाने हैं। इस सब के अलावा हमने एक SIFC बनाई है, यानी कि काउंसिल का वजूद है, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, हमने इन्वेस्टमेंट लानी है, हमने कुछ प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ना है। आपके सवाल का कलीदी जवाब जो है वो यूं है, अगर आप ये सारे काम करेंगे तो आपकी जो सप्लाई ऑफ डॉलर्स, जो लिक्विडिटी क्रंच है, वो ईजियर होगा, वो आसान होगा। अगर वो आसान होगा तो आप इंश्योर कर सकेंगे कि आपके रुपए पे अनयूजुअल प्रेशर जो है वो ना आए। अगर आप ये सारे काम नहीं कर पाएंगे तो ये प्रेशर आ सकता है दोबारा। पाकिस्तान की फाइनेंस टीम को, पाकिस्तान की इकोनॉमिक टीम को ये सारे काम अब सामने रखने हैं। मैं ऑलरेडी समझता हूँ प्रॉपरली एक स्ट्रेटेजी के साथ चलना होगा, ये सारे काम सामने रखने होंगे तो स्मूथली पेमेंट्स भी होंगी और रुपए पर उस तरह से बोझ नहीं पड़ेगा और उसी क्रंच को हम नहीं फेस करेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत शुक्रिया आपका खाकान नजीब साहब, आप मौजूद रहे और आपने इस उतार चढ़ाव को हमें सही से समझाया। एनी हाउ अच्छी खबर आपने ये दी है कि पेट्रोल की प्राइसेस फिलहाल नहीं बढ़ने वाली हैं, फिलहाल रिलीफ हमने इंजॉय करना है और इंशाल्लाह आगे चल के चीजें मजीद बेहतर होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।